सीता बहन बिनकी सेवा केंद्र से आई हैं। आप भी 27 वर्षों से समर्पित रूप में सेवाएं दे रही, अभी अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। आदरणीय बड़ी दीदी जी, हमारी शशि बहन जी, मानसिंह भाई जी, आरती बहन जी, हमारी बहनें और भाइयों, एक महीने पहले एक दिन की भट्टी चली, उसमें तो हम शामिल नहीं हो पाए, तो बहनों ने हमें बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और एक वंडरफुल बात ये बताई कि आपको मालूम है, आज सुबह शाम में जो भट्टी हुई ना, उसमें दीदी 7 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे एक साथ बैठी रही। हमने कहा अच्छा, और बहुत अच्छे अनुभव हुए। इसके साथ साथ आपको मालूम है क्या रखा गया है? मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा जो 1 महीने बाद भट्टी होगी, तो दीदी ने कहा है सभी बहनें आएंगी छोटी बड़ी, और सभी सेंटरों में ताला लग जाएगा। हमने कहा अच्छा, ताला लग जाएगा, ठीक है। और यही बात हमने जाके दिव्या बहन से बताया कि जो अगली भट्टी होगी तो सभी सेंटरों में ताला लगेगा और सभी बहनें चलेंगी। कि ताला लगेगा? हमने कहा हाँ, क्या हम लोगों के सेंटर नहीं है? बहनों ने कहा तुम्हारे सेंटर है क्या? बाबा के सेंटर है। अपनी बहनों को भी बोला तो कुछ हंस भी रही थी, लेकिन व्यवस्था किया कि नहीं, बहनें चलेंगी, वहां पे माताओं को रखा जाएगा, 3 दिन की कोई बात नहीं। खैर, बहनों ने इनकार नहीं किया, सभी बहनें आईं, और बहुत अच्छा जैसे नहीं अनुभव हो रहा था कि ये जो संगठन का और 3 दिन का हमको बिल्कुल फ्री और निश्चिंत टाइम मिलेगा, इसमें वाकई में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। हकीकत है, 2 बार मानसिंह भाई जी का फोन गया तो यही लगता था कि भगवान का बुलावा है, इसमें जरूर चलना है। सभी बहनें आती, लेकिन खजुआ का ऑडिट बाकी था, उसमें बार बार फोन आ रहे थे, तो दिव्या बहन और प्रियंका बहन को वहां रुकना पड़ा। लेकिन जब हम यहां आए शाम का और सुबह का योग किया सबके बीच में, तो दूसरे दिन दिव्या बहन का फोन आया। मैंने कहा अगर जरूरी आपका काम न हो तो आप छोड़ के चली आओ, और ये संगठन में जो हमें फ्री वक्त मिल रहा है इसका जरूर लाभ लो। तो ये जो 3 दिन का अनुभव हमको मिला बहुत लंबे समय के बाद, वैसे तो मधुबन में जाते थे, भट्टियां करते थे, लेकिन जो ये हमारा अलौकिक जन्मभूमि, कर्मभूमि, सेवा भूमि किद्वई नगर का संगठन मिला, तो 3 दिन से बिल्कुल हमें तो याद ही नहीं रहा। हमें जब भी हम दीदी के सानिध्य में आ जाते हैं तो मुझे वही अपना बचपन याद आ जाता है। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारी उम्र ही इतनी हो गई, मुझे नहीं मालूम पड़ता है। और बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी का अमृत बेले का, लेकिन माया भी कम नहीं है। कल शाम 6:30 बजे तक, 5:30 से 6:30 बहुत अच्छे से योग किया, और 6:30 बजे ऐसा दर्द हुआ पेट में कि फिर तो हम नहीं बैठ पाए यहाँ पे। 2-3 बार स्नान किया, बाहर बैठे रहे, फिर खेल भी, बहनों ने कहा खेल भी खेला, लेकिन ऊपर गए तो 1 बजे रात तक उठते रहे, बैठते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, फिर 1 बजे रात को हम नीचे आए तो मुन्नी दीदी जी लेटी थी, मैं आके उनके बगल में लेट गई और मैंने बाबा को बोला,
बाबा मेरा अमृत बेला कभी मिस नहीं होता है और मेरा अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। 3:30 बजे आंख खुली, शरीर में भयंकर दर्द, पूरा शरीर जैसे कप रहा था, इतनी थकान। लेकिन 2 मिनट के बाद जैसे जादू की छड़ी किसी ने घुमाई, मैं उठ के बैठी। पहले संकल्प हुआ कि चलो यहीं कर लेते हैं बैठ के, लेकिन अंदर से जैसे झटका टाइप का लगा, नहीं मुझे क्लास में जाना है। मैं 4:15 बजे क्लास में गई। 4:30 बजे तक बाबा को याद करती रही, बड़ा अच्छा लगा संगठन का योग। उसके बाद लौट के आई तो अंदर से आया कि थोड़ा सा लेट जाते हैं, लेटे, लेकिन वो दर्द, वो थकान पता नहीं कहां चली गई। और जैसे आए थे स्वस्थ, वैसे ही आपके सामने है। तो मैं यही अनुभव कर रही हूं कि ये कमाल इस योग तपस्या की है। और जो संगठन में भाई बहनों के बीच में योग करने के बाद इस पूरे परिसर में जो वायुमंडल बना है वो सबको प्रभावित कर रहा है। तो हम तो बड़े कि जो ये प्रोग्राम बना है 3 महीने में 3 दिन की योग भट्टी का, ये अविरल ढंग से चलता रहे और इसमें सभी को लाभ होगा। मुझे तो बहुत फायदा हुआ। हाँ जी, ये तो 3 महीने में था। अच्छा अच्छा, इन्हीं अनुभवों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।